मौजूद हैं विशाल इंग्रेश, पंजाब मोहाली से हमारे साथ बने हुए हैं। तो विशाल, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। गमगीन माहौल है, आपकी रिपोर्ट में देख ही लिया है। किस वक्त होगा मनप्रीत का अंतिम संस्कार, क्या जानकारी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से भी मिल रही है और परिवार से भी मिल रही है कि जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा, क्योंकि जो मनप्रीत की जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी अभी श्रीनगर में ही है। लेकिन वहीं पर मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय जो भड़ौंजिया गांव है न्यू चंडीगढ़ का, तो वहाँ पर काफ़ी गमगीन माहौल है और इसी घर में मनप्रीत का बचपन बीता था और इसी घर में वो अटखेलियाँ करता रहा है। 7 पीढ़ियाँ तक मनप्रीत की फौज में रही हैं, चाहे वो अंग्रेजों का टाइम हो या फिर आज़ादी के बाद हो, मनप्रीत का सारा परिवार जो है फौज में रहा है। और ये वो घर है जहाँ पर मनप्रीत का बचपन भी बीता और बचपन से जवानी तक यहीं पे रहा और इसके बाद फौज में भर्ती भी हुआ। लेकिन खास बात ये थी कि जिस कंपनी में वो भर्ती हुआ तो उसी कंपनी में उसके पिता भी थे और पिता की कंपनी में ही वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती भी हुआ। और जहाँ पर काफ़ी जो गमगीन माहौल है, लेकिन वहीं पर हरेक आंख आज गांव की ही नहीं पंजाब की यह कह रही है कि मनप्रीत की जो मौत है उसका बदला किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मनप्रीत के और दूसरे साथियों के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया, और इसी शहीदी के मद्देनज़र अभी सभी गांववासी यही आस कर रहे हैं कि जब तक मनप्रीत का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार से पहले ही इन हमलावरों को मौत के घाट उतारा जाए। और यही परिवार भी मांग कर रहा है, आज गांववासी भी कर रहे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे कि यहाँ पे मनप्रीत का बचपन भी बीता और आज आप क्या डिमांड करते हैं? मतलब असी कहने भी वो जड़े अत्तवादियों ने मारा उन्होंने भी मतलब इस तरह मतलब मौत की सजा होनी चाहिए, करना चाहिए इस तरह। बेशक अभी भी बोल नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो जो उन्होंने मारा है उनको सजा जल्दी मिलनी चाहिए। कैसी सजा की डिमांड करते हैं? गोली की सजा होनी चाहिए। तो गोली का बदला गोली की डिमांड की जा रही है और फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहादत भूली नहीं जा सकती, उसका बदला लेना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज 24।